चीज़ें जिनका वजूद भी नहीं होता हम उनके पीछे भागते हैं। जैसे कि एक दफ़ा एक गांव में ना दो शरारती बच्चे रहते थे, हर शरारत के हवाले से वो पूरे गांव में मशहूर थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन बच्चों ने तीन बकरियां ली, एक बकरी के ऊपर उन्होंने पेंट से एक नंबर लिखा, दूसरी बकरी पे दो नंबर लिखे, नंबर दो, और तीसरी बकरी पे उन्होंने नंबर चार लिख दिया। पहली बकरी पे एक नंबर, फिर दो नंबर, और फिर तीसरी बकरी पे नंबर चार लिख दिया। छुट्टी के बाद उसे एक बहुत बड़ी स्कूल की बिल्डिंग में छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सुबह जब स्कूल की इंतज़ामिया आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पूरे स्कूल से वो बकरियों के गंद की वजह से जो है उनकी वो मेंगनों की वजह से स्मेल आ रही थी। तो उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या हो गया कि पूरे सारे क्लासरूम में से रूम में से जो है वो बकरियां, तो उन्हें बकरियां मिली मुख्तलिफ रूम से। वो ढूंढते ढूंढते उन्हें तीन बकरियां वो मिल गईं जो उन्होंने निकाली। अब जब उन्होंने ऊपर नंबर देखा, एक पे एक नंबर लिखा था, एक पे दो नंबर और एक पे चार नंबर, तो उन्होंने कहा कि सफाई करने से पहले हमें तीन नंबर बकरी को ढूंढना है, कि ये चार नंबर तक वो तीन बकरियों पे लिखे हुए हैं। तो उन्होंने दोबारा सारे बाग में उधर तो साइड में जो लॉन था, जो किचन, जो जो रूम थे, हर रूम में छत पे सीढ़ियों पे वो सारा अमला दौड़ के उस चीज़ को ढूंढ रहा है, बकरी नंबर तीन को, जो कि मिलनी ही नहीं थी क्योंकि वो थी ही नहीं। वो मेहनत करते सफाई उन्होंने छोड़ दी कि तब करेंगे जब तक जो है वो बकरी नंबर तीन नहीं मिल जाती। वो उस तीन को ढूंढ के अपना टाइम ज़ाया करते रहे क्योंकि वो तो थी ही नहीं। इससे हमें ज़िंदगी में ये सबक मिलता है ना कि बाज़ दफ़ा हम वहाँ पे सारे तौर कोशिश या मेहनत कर रहे होते हैं जो चीज़ हकीकत में होती भी नहीं, यानी हमारी मेहनत की डायरेक्शन गलत होती है। हम उस चीज़ को पीछे लगे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं जिसका वजूद ही नहीं होता। एक बंदा एक जगह जाके ज़मीन को खोदने लग जाए कि यहाँ से जो है वो सोना मैं निकाल लूँगा, और उस जगह पे सोना हो भी ना, वो दिन रात उस पहाड़ को खोदता है, सोना उसका नहीं निकलेगा। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं हकीकत में वो होती भी नहीं उसमें कामयाबी, या आगे वो चीज़ ही नहीं होती जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ के पीछे भागना जिसका वजूद भी नहीं है, जो है भी नहीं, जिसमें कामयाबी भी नहीं है, और वो उसके पीछे इंसान, अगर दुनिया की मिसाल ली जाए ना तो ये वो बकरी नंबर तीन ही है जिसके पीछे हम दिन रात भागते हैं। मैं ये नहीं कहता मेहनत ना करें या कामयाबी हासिल ना करें, लेकिन हम जब सिर्फ वो दुनिया के पीछे लग जाते हैं, वो दिन रात उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वो तो है ही नहीं, उसमें तो कामयाबी है ही नहीं, हमें मिलेगी कैसे। तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हमें पहले अपनी डायरेक्शन सीधी करनी चाहिए, उस चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए, उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए जिसका वजूद हो, जिसके मिलने का इम्कान हो। जिसके मिलने का इम्कान ही ना हो, जिसका वजूद ही ना हो, उस चीज़ के पीछे आप सारी ज़िंदगी भागते रहें तो एक सरह की मानद आप भागते रहेंगे, आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। लिहाजा अपनी डायरेक्शन को सही करें, उस चीज़ को ढूंढें जिस चीज़ का वजूद है, जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है उसको ढूंढने से आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी दुनिया में कामयाब, दुनिया आखिरत में कामयाबी के लिए अपनी चीज़ का मुतय्यन मंजिल का और सही मंजिल का रास्ता और सही टारगेट को चुन के उसके लिए मेहनत करनी होगी, वरना हम बकरी नंबर तीन की तरह जितना ढूंढते हैं वो मिलेगी नहीं।